कोई अगर सिर पर रिवॉल्वर भी रख दे तो भी नहीं गाऊंगा वंदे मातरम। विधायक राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने की अनिवार्यता को लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर तकरार हुई। यह तकरार भाजपा विधायकों के साथ सपा एवं एमआईएम विधायकों के बीच हुई। आज यह तकरार तब जोर पकड़ती दिखी जब भाजपा के वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से ने सवाल किया कि वंदे मातरम न गाओ, यह किस ग्रंथ में लिखा है दिखाओ। खड़से ने कहा कि यदि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा। भाजपा के एक अन्य विधायक अनिल गोटे ने भी खड़से की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस देश में रहने वाले को वंदे मातरम गाना होगा। इसका विरोध करते हुए अबू आसिम आजमी ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे नारे हम हजार बार लगाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम इस्लाम विरोधी है। आजमी के अनुसार देश के लिए अनेक मुस्लिमों ने बलिदान दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में अनेक सरदार मुस्लिम थे, इसलिए हम देश विरोधी हैं, ऐसा दुष्प्रचार मत कीजिए। इस पर खड़से ने पुनः कहा कि इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। खड़से ने कहा कि जिस वंदे मातरम को गाते हुए स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया उस पर आक्षेप कैसा। खड़से ने सवाल किया कि जिस मिट्टी में तुम्हारा जन्म हुआ तुम पले बड़े, मरने के बाद यहीं दफन होना है, उस मिट्टी की वंदना में अड़चन कैसी। दो दिन पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के स्कूल कॉलेजों एवं सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में कम से कम एक दिन वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के प्रमुख सचेतक राज के पुरोहित ने गुरुवार को विधान भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि वह मुख्यमंत्री से मिलकर महाराष्ट्र में भी वंदे मातरम गायन अनिवार्य करने की मांग करेंगे। पुरोहित ने कहा था कि वह सदन में भी यह मांग उठाएंगे। पुरोहित की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए एमआईएम के विधायक वारिस पठान ने कहा था कि वह सदन में इस मांग का विरोध करेंगे क्योंकि मेरा धर्म और कानून इसे गाने की इजाजत नहीं देता। कोई मेरे सिर पर रिवॉल्वर रख दे तो भी मैं इसे नहीं गाऊंगा। सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने भी पठान के सुर में सुर मिलाते हुए कहा था कि एक सच्चा मुस्लिम इसे कभी नहीं गाएगा। मुझे देश से बाहर भी फेंका जाता है तो मैं इसे नहीं गाऊंगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।